नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की आवाज। मैं पूनम हाजिर हूँ एक नई खबर के साथ। जमशेदपुर के जेल चौक में एक आंख में काजल और एक आंख में सूरमा वाली कहावत जिला प्रशासन चरितार्थ कर रही है। जेल चौक में विगत 30 वर्षों से ज्यादा समय से यहां कई दुकानदार अपनी दुकान के माध्यम से जीविका चला रहे हैं। कुछ दुकानदारों के दूसरी पीढ़ी इन दुकानों से अपने परिवार के भरण पोषण कर रहे हैं। ऐसे में पिछले दिनों जिला प्रशासन JNAC के माध्यम से दुकान तोड़ने का फरमान जारी करते हुए 6 दुकानदारों को नोटिस थमाई है, जिससे अब इन दुकानदारों के बीच जीविका चलाने की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, जिसको लेकर दुकानदार मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। लेकिन इस बीच दुकानदार इस बात को लेकर असमंजस में है कि आखिर कुछ दुकानदारों को ही यह नोटिस रोड चौड़ीकरण के नाम पर क्यों दिया गया। एक तरफ प्रशासन कुछ दुकानदारों को दुकान तोड़ने की नोटिस देती है, तो दूसरी ओर एक दुकानदार द्वारा कंस्ट्रक्शन का कार्य करा रहा है, इस पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करती है। वहीं नक्शा विचलन कर 5 तल्ला बिल्डिंग का निर्माण कराया जा रहा है, उस पर JNAC द्वारा बिल्डिंग तोड़ने की बात कह निर्माणाधीन भवन को सील कर इतिश्री कर ली, लेकिन आज तक अतिरिक्त निर्माण कार्य को ध्वस्त नहीं किया गया। अब सवाल यह उठता है कि क्या मझले और गरीब दुकानदारों को किसी न किसी कार्य का हवाला देते हुए दुकान तोड़ने तक ही जिला प्रशासन सीमित है, जबकि नोटिस दिए गए दुकानदारों का कहना है कि प्रशासन के हर कार्य में हमेशा सहयोग करते हैं और आगे भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन दुकान तोड़ देने से वे और उसके परिवार वाले भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। ऐसे में प्रशासन पहले उन्हें व्यवस्थित करे, फिर दुकान तोड़े। नोटिस हम लोग को मिला है कि आप सरकारी जमीन को अतिक्रमण किए। भाई, हम लोग मान लीजिए अतिक्रमण किए हैं, हम लोग तो रोजी रोटी चला रहे हैं, पेट पाल रहे हैं। यहाँ तो आप देख लीजिए, अतिक्रमण तो पूरा शहर है। जब तोड़ना ही है तो पूरा शहर का तोड़िए ना, खाली हम लोग के ऊपर नजर क्यों है। आप देख लीजिए, 2 साल पहले अभी जो बस स्टैंड के पीछे जो सरकारी जमीन है, जिसको लैंड जमीन है, पूरा अतिक्रमण हो गया सरकार का रास्ते, कोई कुछ नहीं बोला। इतना बड़ा जमीन अतिक्रमण हो गया, ये 2 फुट पर बैठ के हम रोजी रोटी चला रहे हैं, तो इसके लिए आप बोल रहे हैं बुलडोजर चला देंगे, हटा लीजिए, नहीं तो तोड़ देंगे। तो भाई, हमको सरकारी नौकरी दे दीजिए, हम अभी हटा लेते हैं, नहीं तो क्या बोलते हैं आप, भूखे मर जाए हैं। आप एक तरफ गरीब को बोलते हैं कि किसी को भूखे मरने नहीं देंगे, और एक तरफ आप उसका रोजी रोटी छीन रहे हैं। 2 साल से कोरोना काल में ऐसे लोग मर रहा, किसी का कोई रोजी रोटी नहीं है, सबका रोजगार छीन गया, ऊपर से आप और मार रहे हैं। तो आप रोजी रोटी दीजिएगा कि आप लोगों को मारने का सरकार बना के बैठे हैं, तो गलत तरीका है ना। आप किसी को रोजी रोटी दीजिए, आप किसी का रोजी रोटी छीन ले सकते हैं, ये नहीं है नियम कानून कि रोजी रोटी छीन लें। कितने वर्षों से आप लोग यहाँ पर है दुकान? करीब 30-35 साल से हम बैठे हुए हैं। इस बीच में कभी भी प्रशासन कुछ नहीं बोले? नहीं, अभी फिर से 2-3 साल से है कि जो रोड चौड़ीकरण होगा इसका लेके बार बार हम लोग को तंग किया जा रहा है। आप बोलिए, हम लोग थोड़ा साइड घास काट लेते हैं, थोड़ा सा जगह हमको दे दीजिए बैठने के लिए, मगर मेरा रोजी रोटी मत छीनिए। प्रशासन से, सरकार से यही आशा आदमी रखता है कि किसी का रोजी रोटी नहीं छीने। आप किसी को भी रोजगार देना, उसका रोजगार नहीं छीनना। सामने में आपके दुकान के सामने भी देख रहे कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा था, उसके लिए मना किया था इन्होंने? नहीं, यहाँ का हमको लगता है कोई लोग कंप्लेन किया तब यहाँ पर आया, उसको बंद किया, नहीं तो वो तो बनाया जा रहा है अपना, उसको बोलने वाला कोई नहीं है। आप देख लीजिए, उतना बड़ा बिल्डिंग है, देख लीजिए, वो फोटो ले लीजिए उस बिल्डिंग का, देख रहे हैं JNAC का सामने बन गया, प्रशासन का सामने बन गया, अभी तक कोई तोड़ने का उसका कोई ये नहीं। हम गरीब पर खाली लाठी डंडा चल रहा है। दुकान में एक कंस्ट्रक्शन भी दिख रहा है कि हो रहा है, उसको कुछ बोला है? कुछ नहीं, वो खाली गरीब के लिए लाठी डंडा है, पैसों वालों के लिए नहीं। अभी आप लोग आगे क्या कर रहे हैं? उस नोटिस जो मिला उसके लिए आगे क्या कर रहे हैं आप? नोटिस मिला उसका जवाब दिया जाएगा, उसका जवाब दिया जाएगा। भाई, हम लोग गरीब आदमी, हम लोग को उखाड़ के फेंक दीजिएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? चोरी चमारी तो हम लोग करेंगे नहीं, वो तो हम लोग के पास बुद्धि है नहीं। तो हम लोग को बैठने दीजिए, पेट पालने दीजिए। सरकार से और प्रशासन से यही मेरा निवेदन है, इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए। क्या नाम है? अरुण सिंह। आपने जो कहा जब सही कहा है, आपके सामने देखिए ना, ये आपके सामने में हमारा दुकान के बगल में ही अतिक्रमण करके इतना बड़ा बिल्डिंग बनाया जा रहा है, इसको कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग जीवन यापन कर रहे अपना, इस पे सरकार पर। तो इतने वर्षों से आप लोग है, इस बीच में कभी आप लोगों को नोटिस दिया था जो अचानक ही हमें दे रहा? नहीं, इससे पहले भी हुई थी, और हम लोग तो देखिए, हम लोग पास कुछ साधन है नहीं।
30-40 साल से हम लोग पिताजी करते आए की है, उसके बाद हम लोग करते आ रहे हैं और अभी ये उम्र में हम लोग कहाँ जाएं हम लोग को कुछ समझ नहीं आ रही है। और रहा आपको मालूम है सर, ये 2 साल हो गया, 2 साल से कोविड का चल रहा है। ये कोविड के काल में आदमी ऐसी परेशानी झेल रहा था और इसी बीच में प्रशासन भी हम लोग लग गई, पीछे पड़ गई हम लोग का। प्रशासन की गलती इसमें नहीं देंगे कि उनकी गलती है, पर अब हम लोग इसमें कहाँ जाए हम लोग की बसा दी जाए, कहीं भी बसा दी जाए, हम लोग इससे मुंह नहीं मोड़ेंगे, कहीं बोलेंगे हम लोग चल जाएंगे, वहां पर चल जाएंगे। हम लोग चाहते हैं प्रशासन से यही आगाह करेंगे। कुछ कारण तो बता रहे होंगे कि इस कारण से ही तोड़ेंगे। देखिए उनका कहना है कि रोड चौड़ीकरण होगा, पीछे में हमारा शॉप के पीछे में आपका सरकारी विभाग है, आपका वैक्सीन का सेंटर बना है स्टोर रखने के लिए, तो उसमें देखिए गाड़ी जाने आने में कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी जा सकती आ सकती है। हम लोग भी चाह रहे हैं प्रशासन का साथ दें, चौड़ीकरण में भी उनका हम लोग साथ दें, कहीं रोड जाम होगा हम लोग चाहते रोड जाम नहीं करें, हम लोग पीछे पर हम लोग चाहते रोड जाम ना हो, हमेशा हम लोग इसके तत्पर रहते हैं हमेशा। पर अब क्या बोला जाए, जो चाहेंगे प्रशासन वही होगा, हम लोग तो कुछ ही नहीं कर सकते हैं। मतलब आप लोग प्रशासन का साथ देंगे लेकिन प्रशासन भी आप लोगों का साथ दे, बस हम वही चाहते हैं। हम लोग तो प्रशासन के साथ देने का हमेशा तैयार है, हम लोग कहाँ जाएंगे अभी, हम लोग कहाँ जाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, दिन भर की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।